नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं सुनील राव। नागरिकता बिल पर संसद से मुंह की खाए हुए विपक्षी दल अब सड़क पर नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं और विरोध करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या विपक्ष ने जानबूझकर मोदी सरकार को राज्यसभा में यह कानून पास करवाने के लिए मदद की? यह सवाल इसलिए क्योंकि आंकड़े जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखकर आपको यकीनन ये लगेगा कि संसद और सड़क पर विरोध करने वाला विपक्ष चाहता ही नहीं था कि मोदी सरकार इस बिल को संसद में पास न करा पाए। वरना जिस एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है वो इस बिल को इतने बंपर वोटों से कैसे पास करा लेगी? आपको बता दें कि राज्यसभा में 245 सीटें हैं जिनमें से फिलहाल 5 खाली हैं। इस लिहाज से मोदी सरकार को बिल पास कराने के लिए 221 वोटों की जरूरत थी, लेकिन एनडीए को राज्यसभा में मिले 125 वोट। वो भी यह आंकड़ा तब मिला जब एनडीए के 4 सांसद सदन में वोटिंग के दौरान स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर नदारद थे, जिनमें से एक बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी भी है। अगर ये चारों सांसद मौजूद होते तो यह आंकड़ा बढ़कर 129 हो जाता, जबकि बिल पास होने से पहले एनडीए के पास महज 99 वोटों का आंकड़ा ही दिख रहा था। लेकिन शाह ने अपने चाणक्य के दिमाग से कई दलों को साथ लिया। हालांकि शाह के लिए यह मुश्किल हो सकता था अगर विपक्ष पूरी ताकत लगा देता, लेकिन लगता है कि विपक्ष भी चाहता था कि यह बिल पास हो जाए, तभी उसने इसको लेकर एक तरह से सरकार की मदद ही की। कैसे? दरअसल विपक्ष के खेमे से बिल के विरोध में सिर्फ 99 वोट पड़े, जबकि उनकी तादाद ज्यादा थी। तो फिर सवाल यह कि बाकी के सांसद गए कहां? सबसे बड़ी भूमिका तो शिवसेना ने निभाई। सदन के बाहर और सदन में वोटिंग से पहले शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों के साथ बिल का विरोध तो किया, लेकिन वोटिंग के ऐन वक्त उसने 180 डिग्री का टर्न ले लिया और वो सदन से गायब हो गई। शिवसेना के तीनों सांसद वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे, यानी कि शिवसेना ने सदन से वॉकआउट कर मोदी सरकार को यह बिल भारी अंतर से पास करवाने में मदद की। शिवसेना ही नहीं, शिवसेना की महाराष्ट्र में सहयोगी एनसीपी ने भी बीजेपी की मदद की। कैसे? दरअसल वोटिंग के वक्त एनसीपी के 2 सांसद सदन में मौजूद नहीं थे। माजिद मेनन और वंदना चौहान वोटिंग के वक्त सदन से बाहर थी, इसलिए विपक्ष का आंकड़ा और भी कमजोर हो गया। इतना ही नहीं, बिल का पुरजोर विरोध करने वाली मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी एक सांसद सदन से गायब था। कांग्रेस सांसद मुकुल मीठी अगर संसद में मौजूद होते तो विपक्ष का आंकड़ा कुछ और बढ़ता, यानी कि कांग्रेस ने भी इस बिल को सीरियसली नहीं लिया और बीजेपी की परोक्ष रूप से मदद की। सदन से बीएसपी के 4 में से 2 सांसद बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब थे, जबकि समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा भी सदन में मौजूद नहीं थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि सदन को सिर पर उठा लेने वाली ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद भी वोटिंग के वक्त संसद से गायब हो गए थे। उन्होंने हाई बीपी की शिकायत की थी और संसद से उठकर चले गए थे। हालांकि ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद केडी सिंह को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है कि वे सदन से वोटिंग के दौरान गायब क्यों हो गए थे। आपको बता दें कि इस बिल को पारित कराने में बीजू जनता दल और एआईडीएमके ने सरकार की मदद की थी। सदन में बीजेडी के 11 जबकि एआईडीएमके के 7 सांसद हैं और साथ ही साथ 2 अन्य सांसदों ने भी एनडीए के पक्ष में वोट किया था। मतलब अगर विपक्ष एकजुट होता और सदन में संख्या बल दिखाता तो सरकार पर इस बिल को लेकर दबाव बनता और उसे इस बिल को पास कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ती। लेकिन लगता है विपक्ष पहले ही शाह और मोदी की जोड़ी के सामने हथियार डाल चुका था, तभी उसके सांसद इतने अहम बिल को पास होने के वक्त सदन से गायब थे। आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार को बिल पास कराने में परोक्ष रूप से मदद की है और वे बेवजह अब सड़कों पर विरोध कर राजनीति चमका रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।